हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू technobuzz.net। जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, हमारे फ़ोन के ऊपर आप जो है सैमसंग UI का जो है लुक देख पा रहे होंगे। तो काफ़ी सारे लोग काफ़ी दिनों से ये पूछ रहे थे कैसे हम अपने फ़ोन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और उसके अंदर सैमसंग वन UI का जो लुक है वो पा सकते हैं। मैंने कुछ दिनों पहले ही एक वीडियो बनाया था कैसे आप अपने किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर iOS 12 का जो लुक पा सकते हैं और सारे के सारे उसके मोस्टली जो फीचर्स हैं उसको अपने फ़ोन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप अपने फ़ोन का बिना बूटलोडर अनलॉक किए हुए, ना आपको रूट करना है ना आपको कस्टम रिकवरी चाहिए, आप इजिली सैमसंग वन UI का जो लुक है और उसके फीचर्स को अपने किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो उसी के ऊपर है, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आगे चल के आपको हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस के अपडेट्स मिलते रह सके। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो बता दूं, हमारे पास ये Xiaomi का Redmi Note 6 Pro फोन है। इसके अंदर हमने Samsung का One UI का जो ये लुक है वो पूरा का पूरा यूज़ कर रखा है। आप देख पा रहे होंगे वैसे ही आपको विजेट्स देखने को मिल रहे हैं, वैसे ही आपको Google का सर्च बार, वैसे ही जो है One UI का आइकन्स आपको देखने को मिल रहे हैं, वैसे ही आपको टॉक आइकन्स, वैसे ही आपको ऐप लिस्ट और उसी तरीके का आपको क्विक टॉगल्स के जो बटन्स होते हैं बॉटम्स में वो देखने को मिल रहे हैं और Samsung की जो सेटिंग्स होती हैं वो सारी की सारी आपको इसके अंदर देखने को। ये कोई थीम नहीं है, ये किसी भी फ़ोन में काम करेगी। ज़रूरी नहीं है कि कोई थीम है कि किसी एक स्पेसिफिक मॉडल पे काम करेगी, इसको आप किसी भी फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए और गूगल प्ले स्टोर का अकाउंट चाहिए। मैं आपको बताता हूँ मैं कौन कौन से एप्लीकेशंस यूज़ कर रहा हूँ और कैसे मैंने आप इनको यूज़ किया। आपको गूगल प्ले स्टोर में जाकर मैं दिखा देता हूँ मैं कौन कौन से ऐप्स जो है मोस्टली इसमें यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो आपको एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करनी है उसका नाम है S8 लॉन्चर। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी एप्लीकेशन है, वो ये है SO8 लॉन्चर। इसको मैंने इंस्टॉल कर रखा है। एक एप्लीकेशन आपने ये इंस्टॉल करनी है, साथ ही साथ सेकंड एप्लीकेशन जो आपने यूज़ करनी है वो है एक फ्री एप्लीकेशन One UI S10 आइकन पैक। जो S10 के आइकन पैक है वो आपको इसके अंदर यूज़ करने है। और थर्ड आइकन जो एप्लीकेशन जो आपको यूज़ करनी है वो है सैमसंग की बॉटम क्विक सेटिंग नोटिफिकेशन ऐप। इन तीनों एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद जो आपको जो S8 का लॉन्चर है उसको अपने फ़ोन का डिफ़ॉल्ट लॉन्चर बना लेना है और उसकी सेटिंग्स में जाके आप सारी चीज़ों को इजीली मैनेज कर सकते हैं। आप उसकी सेटिंग्स में जाएंगे, आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे डेस्कटॉप आपको कैसा चाहिए, ग्रिड साइज़ वगैरह को आप चेंज कर सकते हैं, आइकन साइज़ आइकन लेबल को आप चेंज कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बार्स को हाइड करना चाहें, डार्क आइकन्स चाहिए कि नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे इजीली मैनेज करते हैं। आइकन्स वगैरह आपने चेंज करने होंगे तो थीम एंड UI पे जाकर आप जो आइकन थीम है उसको चेंज करके उसमें जाके जो हमने जो आइकन डाउनलोड किए थे One UI आइकन पैक उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। सारी की सारी चेंजेस आप कर लेंगे, ड्रॉअर में जाके आपको कैसे चाहिए, लॉन्चर स्टाइल कैसा चाहिए, सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमने शो ऑल ऐप्स बटन कर रखे हैं डॉक में ताकि ऐप लिस्ट आपको यहाँ पे दिखे, जैसे सैमसंग के फोन्स के अंदर आपको देखने को मिलती है। जैसे ऐप लिस्ट पे आप टैप करेंगे आपको सारे ऑप्शंस जो हैं ऐप लिस्ट के आपको उसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारे चेंजेस आप इसके अंदर कर लेंगे और One UI का जो आइकन पैक है थीम UI में जाकर आइकन पैक्स में जाके उसको एक बार यूज़ कर लेंगे। और सेकेंड एप्लीकेशन जो हमने यूज़ की थी बॉटम्स जो स्लाइडर थे उसको भी आपने एक बार इंस्टॉल कर लेना है और उसको एक बार अपने फ़ोन के अंदर रन करना है। तो वो कुछ इस तरीके की एप्लीकेशन आपको दिखेगी, आप सर्विस रनिंग को जो है एक्टिवेट कर देंगे और जितने भी ये टाइल स्लाइडर्स है इनको एक बार टैप करके इनको आपको इनकी जितनी भी आपको परमिशंस होंगी इनेबल कर देना है। और आप देख पा रहे हैं ये सारी चीज़ों को आपने इनेबल कर लेना है, जैसे मैंने इनेबल कर रखी हैं। आप अपने मनमान मुताबिक भी इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, लेआउट आपको कैसा चाहिए वो आप देख सकते हैं, मैंने किस तरीके का लेआउट रखा है वो आप चेंजेस करते हैं, हैंडल आपको किस तरीके चाहिए वो सारे इसके विड्थ वगैरह हैं उसको चेंज करते हैं, नोटिफिकेशन आपको कौन कौन से चाहिए वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे इजीली एडजस्ट करते हैं। ये ध्यान रखना है आपको सर्विस रनिंग जो है वो इनेबल होनी चाहिए। उसके बाद जो है कुछ लुक इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको S8 सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि सारी चीज़ें काम कर रही हैं, वाईफाई को आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, रिंग टोन्स को यहाँ से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, लॉन्चर सेटिंग्स पे जा सकते हैं, सिस्टम सेटिंग्स पे जा सकते हैं, क्विक जो आपके क्विक सेटिंग्स पैनल्स होते हैं नोटिफिकेशन बार उसको आप टैप करेंगे इस तरीके से तो आपको फर्स्ट लेयर ऐसे दिखेगी। वो कुछ इस तरीके की आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन पैनल जो है इस पर देख सकते हैं, वाईफाई मोबाइल डाटा सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज करते हैं, ब्राइटनेस कम ज़्यादा करना चाहे वो आप कर सकते हैं, साउंड्स वगैरह को आप सारी की सारी चीज़ों को जैसे देखिए परमिशन पूछा इसने में से आप परमिशन दे देंगे, उसके बाद जो सारी चीज़ें जो है ठीक तरीके से काम करना शुरू हो जाएंगी। बस कुछ नहीं करना है, आपको तीन एप्लीकेशन चाहिए उसके बाद जो है सारी चीज़ें जो है आप इजीली अपने फ़ोन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। बस ये तीनों एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर में आपको मिल जाएंगी, सारी की सारी एप्लीकेशन फ्री हैं,
पहला आपको लॉन्चर करना है, सेकंड आपको जो वन यूआई का आइकन पैक है वो करना है, और थर्ड एप्लीकेशन बॉटम क्यूब सेटिंग। कुछ इस तरीके का पेज आपको देखने मिलेगा, सारे के सारे देख पा रहे होंगे विजेट्स वगैरह हमको पूरे सैमसंग वन यूआई के आपको इसके अंदर देखने को मिल पा रहे हैं, और पूरा पूरा लुक जो हमने अपने फ़ोन का सैमसंग वन यूआई की तरह कर लिया, जो कि हमारा फ़ोन एमआईयूआई पे बेस्ड है। मैं आपको दिखा देता हूँ एमआईयू का वर्जन जो इसमें यूज़ कर रहे हैं अबाउट फोन में। ये देखिए Redmi Note 6 Pro MIUI वर्जन जो है 8.1.0 Oreo प्रिंट कर रहा है एंड ग्लोबल स्टेबल 10.2.0। तो इस तरीके से किसी भी Android फोन के अंदर आप तीन एप्लीकेशन से ये लुक पा सकते हैं। तो उम्मीद है सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय।